राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुनील शर्मा एवं हनुमान जी के भक्त हनुमान सिंह ने बताया कि इस अवसर पर कस्बे की पटायरी की डुंगरी पर स्थित सीताराम जी के मंदिर पर भगवान का आकर्षक श्रृंगार करने के साथ मंदिर को रंग बिरंगी विद्युत रोशनी एवं 56 भोग की झांकी से सजाया गया तथा मंदिर परिसर में तड़के से ही राम धुनी सत्संग भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। मंदिर में स्थापित सीताराम, दुर्गा माता, पवन सुत, हनुमान महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया। शर्मा ने बताया कि मंदिर पर 56 भोग की झांकी सजाने के साथ दीपोत्सव के साथ आकर्षक झांकियों को सजाया गया तथा देर शाम 56 भोग की प्रसादी का वितरण किया गया। इसके अलावा 52 देव जी, जगन्नाथ, गणेश जी सहित अन्य मंदिरों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजन के साथ प्रसाद वितरित किया गया। इधर राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोमवार को सकट गांव के ग्रामीणों ने बैंड बाजे के साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते भव्य ध्वजा एवं शोभा यात्रा निकाली। बांके के बिहारी मंदिर के महंत देवादास महाराज ने बताया कि ध्वजा व शोभा यात्रा कस्बे के श्री बांके बिहारी मंदिर से विधिवत ध्वजा पूजन के साथ रवाना हुई, जो कस्बे के सीताराम, चौथ माता, चतुर्भुजनाथ, रघुनाथ जी, थाई वाले हनुमान जी मंदिर होते हुए गांव की परिक्रमा करते हुए नदी किनारे स्थित श्री रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। ध्वजा व शोभा यात्रा के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता व हनुमान जी की झांकियां निकाली गई। ध्वजा व शोभा यात्रा के दौरान पुरुष श्रद्धालु व महिलाएं अपने हाथों में ध्वजा पताका लेकर प्रभु श्री राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी की। ध्वजा व शोभा यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन कर महाआरती के बाद श्रद्धालुओं की खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। वहीं गांव नारायणपुर के ग्रामीणों ने भी डीजे की धुनों के बीच भगवा ध्वजा बाइक रैली निकाली।